आदि से इस्तेफादा करेंगे। मैं आखिर में फिर एक मरतबा कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र साहब और सत्यनारायण साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़े थोड़े वक्त से अगर ये जॉब मिलने का इंतजाम करते रहे। अब तो यहाँ पर है मुख्तलिफ शहर के इलाकों में और सऊदी के मुख्तलिफ डिवीजनों में अगर ये करते रहे तो वहाँ के लोगों को भी इससे इस्तेफादा का मौका मिलेगा। और हैदराबाद सिटी पुलिस के साउथ जोन के एरिया में ये कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये जॉब कनेक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें ये कंचनबाग पुलिस स्टेशन एरिया और संतोष नगर पुलिस स्टेशन एरियाज का जो रहने वाले यूथ बोथ मेन एंड वुमन जो अनएम्प्लॉयड हैं उसको जॉब्स दिलाने के लिए ये प्राइवेट कंपनी से टाइप करके ये TMI ये ग्रुप से एक MOU करके हमारे जॉब कनेक्ट प्रोग्राम ये हर एक मेला में लगभग 300 लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। ये जो भी वैकेंसीज हैं प्राइवेट सेक्टर में हर एक कंपनी में ये हर एक दिन अपडेट होते रहता और ये यूथ जो भी अनएम्प्लॉयड हैं उनकी तरफ से जो स्किल सेट्स अवेलेबल हैं वो मैच करने से उसको रजिस्टर करने के बाद तुरंत ये स्पॉट पे ही ये 300 लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं। ऐसे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हैदराबाद सिटी यूथ के लिए जॉब्स सिक्योर करने के लिए और जॉब सिक्योर करने से यह पूरा फैमिली का हालत अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेटस और सोसाइटी का स्टेटस भी बढ़ेगा और हैदराबाद को अमन और शांति से रखने के लिए ये इनिशिएटिव बहुत फ़ायदा होगा। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम जो जॉब कनेक्ट प्रोग्राम टेकअप किया है हैदराबाद के जो यूथ हैं बोथ मैन एंड वुमन बहुत एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। हर एक जॉब कनेक्ट मेला में ये पार्टिसिपेट होके अपना अपना स्किल सेट्स को शेयर करने से ये कई यूथ को हर एक दिन रोजगार मिल रहे हैं। हमारे लिए ये उम्मीद है कि हैदराबाद में आने वाले दिन में तेलंगाना स्टेट का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स हैं ये डेवलपमेंटल वेलफेयर प्रोग्राम्स से हैदराबाद में एक भी अनएम्प्लॉयड यूथ ना रहने के लिए हम हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम ज़रूर कोशिश करेंगे और ये इनिशिएटिव हर एक पुलिस स्टेशन एरिया में हम करेंगे। आज ये कंचनबाग पुलिस स्टेशन एरिया में हो रहे हैं और कल दूसरा पुलिस स्टेशन में होगा। ऐसे हर एक दिन एक एक पुलिस स्टेशन एरिया में ये जॉब कनेक्ट प्रोग्राम आगे लेके जाने से ये पूरा वो लोकल यूथ हैं उसको ये एम्प्लॉयमेंट मिलने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही साथ हम कम्युनिटी को पूरा हैदराबाद सिटी पब्लिक को और एस्पेशली ये वो पुराना शहर के पब्लिक को हम एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये हैदराबाद सिटी पुलिस में 5000 वैकेंसीज कॉन्स्टेबल वैकेंसीज ये रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन एक 15 दिन में आने का है। ये नोटिफिकेशन ने हैदराबाद सिटी पुलिस के यूथ को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये बाहर का लोग एलिजिबल नहीं हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का लोग ही इसमें कम्पीट कर सकते हैं। इसलिए 5000 नंबर एक बहुत लार्ज साइज़ हैं, एक हर एक यूथ ये जो गर्ल्स हो बॉयज़ हो इसमें पार्टिसिपेट होके ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और सेलेक्ट होने के लिए हम हैदराबाद सिटी पुलिस की तरह से हम अपील कर रहे हैं। ये सिटी पुलिस में तेलंगाना गवर्नमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये 30% रिजर्वेशन दिया है मेन वुमन के लिए और आर्म रिजर्व में 10% रिजर्वेशन दिया है। ये महिलाओं को भी ये जॉब सिक्योर करने के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए उम्मीद है कि ये ओल्ड सिटी जो पुराना शहर का जो भी यूथ हैं 100% वैकेंसीज में ये एरिया का यूथ सेलेक्ट हुआ तो हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए बहुत अच्छा होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होगा इधर से और ये पुराना शहर में अमन और शांति रखने में ये यूथ का ये पार्टनरशिप मोड में होगा और सभी का मदद हमें मिलेगा। हम ये अपील कर रहे हैं कि ये हम जो भी ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं हर एक जोन में उसका फ़ायदा उठा लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, स्किल सेट्स इम्प्रूव कीजिए और ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में आप शामिल होके सक्सेस सिक्योर कीजिए।
ये अवसर पर मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से मैं कम्युनिटी को बहुत शुक्रिया वादा करना चाहता हूँ हैदराबाद में अमन और शांति रखने में, और हर एक फेस्टिवल, हर एक इवेंट बिना कुछ इंसिडेंट के आगे लेके जाने के लिए हमें कम्युनिटी का मदद बहुत ही अच्छी तरह मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ हैदराबाद ये पुराना शहर के ये DCP साउथ जोन सचनारायणा और उनका पूरा टीम ऑफ ऑफिसर्स और मेन बहुत हार्ड वर्क करके कम्युनिटी को आपके साथ उनके साथ लेके जाके सभी जो भी एक्टिविटीज़ हम पुलिस डिपार्टमेंट ले रहे हैं ये कम्युनिटी का इंटरेस्ट में हैं, उनका फ़ायदा के लिए हैं, ये फैमिली डेवलपमेंट के लिए हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए हैं, उनका वेलफेयर के लिए हैं। इसलिए हैदराबाद सिटी पुलिस और ये पुराना शहर का पब्लिक, हम दोनों मिलजुल कर काम करके ये पूरा सोसाइटी को, हम ये पुराना शहर को नया शहर ऐसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे साथ आने के लिए हम पब्लिक को मैं अपील करता हूं। और मैं ये अकेशन पे साउथ जोन पुलिस ऑफिसर्स और सभी स्टाफ को बहुत मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम्स टेकअप किया हैं और कम्युनिटी के साथ हर एक दिन काम कर रहे हैं, उनको हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पूरा शहर में अमन और शांति है और पूरा शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। हमें ये भी खुशी का बात है कि ये ओल्ड सिटी एरिया में भी बहुत ही मॉल्स आ रहे हैं, ये मल्टीप्लेक्सेस आ रहे हैं और पूरा डेवलपमेंट का रास्ता चल रहे हैं। इसलिए ये पूरा पुराना शहर नया शहर की जैसा आने वाले दिन में होगा। हिंदी बात कर सकता है, तोता तेलुगु बात कर सकता है, तोता इंग्लिश में भी बात कर सकता है। अरे अच्छा, बल्कि एक जो है ना आदमी उसको 7 लाख में खरीद लेता तोते को, तोता घर ले जाता, तोते को पिंजरे में बंद कर देता, उसको बोलता बीवी को कि जो है ना मैं जॉब पे जाके आने के बाद मैं बताता हूँ तुम्हारे को तोते की क्या खासियत है। अच्छी बात है। उन्हें आने के बाद उन्हें बोलती तोता ला के रखे, बोले नहीं कुछ भी, चलो बहुत अच्छा दिख रहा, इसको पका देंगे बोलती। तो 7 लाख का तोता उन्हें पका देती, सालन बना देती तोते का। तो उसके बाद में उन्हें आके पूछता क्या हुआ, बोले तो तोता कहाँ है, बोले तो कुछ भी नहीं बोलती, जवाब नहीं देती। उन्हें बहुत गुस्सा करता, गुस्सा करा तो बोलता तोते को 7 लाख में खरीद के लाया था और उसको जो है ना पूरे लैंग्वेजेस आते थे, इसलिए मैं खरीद के लाया, तुम पका दिया, बोलते गुस्सा करता, गुस्सा करा। तो बीवी बोलती अगर तोते को लैंग्वेज आती तो जब मैं छुरी चला रही हूँ उसके गर्दन पे तो ये बोलना था मुझे मत मारो। अगर मुझे मत मारो अगर वो बोलता तो मैं उसको नहीं काटती थी। तो ये एक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे तो यानी उन्हें अपनी जान मत मारो नहीं बोला और मर गया। थैंक यू। एक तरफ बजा मेरे लिए। शुक्रिया।